हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू ओवरटेक में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस वैकेंसी की हम बात करने जा रहे हैं वो है एयर इंडिया में निकली हुई वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया में केबिन क्रू की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जा रही है और इस वैकेंसी के लिए अगर आप 12th पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर काफी हैंडसम आपको सैलरी दी जा रही है, 37,800 रुपीज आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। इस वैकेंसी की हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखेगा, लास्ट तक देखेगा तभी आपको पूरी वैकेंसी की जानकारी मिल पाएगी कि यहां पर आपको आवेदन कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एक्स वाई जेड टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। तो चलिए सीधा हम आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलते हैं। यह नोटिफिकेशन जो है एयर इंडिया की तरफ से निकाला गया है। इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जैसा कि आप देखते हैं हमारी वेबसाइट है और हमारी इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम सीधा नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आप सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर एज लिमिट क्या दी गई है। 18 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। अगर आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आयु सीमा में छूट भी है, जो कि गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल की आयु सीमा में छूट है और ओबीसी के कैंडिडेट्स को 3 साल की आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी गई है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर मैरिटल स्टेटस की। अगर आप शादीशुदा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहां पर सिर्फ अनमैरिड ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, अगर आप 12वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए 100% आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा है होटल मैनेजमेंट या फिर कैटरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो आपको यहां पर सबसे पहले जॉब लगने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर हाइट जो है फीमेल्स के लिए 154.5 सेंटीमीटर दी गई है और मेल के लिए यहां पर जो है 163 सेंटीमीटर यहां पर मिनिमम हाइट दी गई है। ठीक है, और यहां पर बीएमआई का भी यहां पर क्राइटेरिया दिया गया है, फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप आपकी जो हाइट वाइट जो भी है वो आप यहां पर कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इस तरीके से नॉर्मल बीएमआई आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आगे चलते हैं, विजन के बारे में बताया गया है कि आपकी आईज जो है किस प्रकार आपका विजन होना चाहिए आईज का, वो यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर स्पीच के बारे में। जी हां, यहां पर स्पीच के बारे में साफ साफ क्लियर कर दिया है, अगर आपकी क्लियर स्पीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नो स्टमरिंग है, अगर आप स्टमरिंग करते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नो स्टमरिंग यहां पर मांगा गया है। और लिस्पिंग यहां मांगा गया है, कमांड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी विद क्लियर अंडरस्टैंडेबल एक्सेंट, तो यहां पर आपकी इंग्लिश में भी काफी अच्छी कमांड होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी अंग्रेजी भाषा को समझ सके। और लैंग्वेज के बारे में साफ साफ बताया है कि अगर आप हिंदी इंग्लिश में अगर अच्छे से बोलना जानते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल यहां पर फ्लुएंस मांगा गया है हिंदी और इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और आपको वर्किंग नॉलेज होना जरूरी है हिंदी में। अगर आपका इंग्लिश में कमांड अच्छा है और हिंदी में कमांड बिल्कुल भी नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर हिंदी भी मांगा जाता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले आपका ग्रुप डायनेमिक होगा। जी हां, आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका यहां पर रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको फाइनली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अब आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, सिर्फ मोड जो है ऑनलाइन है। ठीक है, एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाना होगा, www.airindia.in पर जाना होगा, वहां जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहां पर आपको उस फॉर्म को भर करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने होंगे, अपलोड करने होंगे, उस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन करने से पहले यहां पर इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, आपके पास में आपका खुद का एक वैलिड जो आप डेली ऑपरेट में लेते हैं ईमेल आईडी, वो होना जरूरी है, और आपकी एक फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, जिसका यहां पर साइज दे रखा है सॉफ्ट कॉपी में। और यहां पर आपके पास में मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर से आपको यहां पर बनवाना होगा। ठीक है, जिसमें आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड वो पूरा का पूरा मेंशन होना अनिवार्य है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट शुड बी कॉन्टैक्ट लेंस, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज में लेते हैं तो उसके बारे में भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट आपको देना पड़ेगा। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर 1500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। ठीक है, बाकी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जा रही है, फ्री में ये कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी नजदीकी बैंक में जाकर के बनवा सकते हैं, अगर आपका बैंक में खाता है किसी में भी तो वह बैंक बड़े ही आसानी से आपका डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर हम आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो आवेदन जो है यहां पर 27 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है, आपको वेबसाइट पर जाना होगा एयर इंडिया की, वहां जाकर के आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, इस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है यहां पर,
जब भी अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है, अगर आपको इस केबिन क्रू की पोस्ट के लिए सिलेक्शन होता है, तो आपको यहाँ पर बैंक गारंटीड एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होगी। जी हाँ, आपको ज्वाइनिंग के समय आपको यहाँ पर कुछ जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो यहाँ पर जमा कराना पड़ेगा एयर इंडिया के डिपार्टमेंट में, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास में फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपको इसकी भी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर बैंक गारंटी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया जाएगा, लेकिन ये भी आपको कब कर देना होगा, जब आपका ज्वाइनिंग का टाइम होगा। ठीक है, बाकी शुरुआत में नहीं देना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, किस प्रकार आपकी ट्रेनिंग होगी, कहाँ पर आपकी ट्रेनिंग ली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो सैलरी है, स्टाइपेंड है, आपको कितना दिया जाएगा, वो भी यहां पर मेंशन किया गया। ट्रेनिंग के दौरान आपको 15,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, और जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको परमानेंट पोस्ट पे आपको 37,800 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको काफी सारे अदर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, वो आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इस भर्ती की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।